Hi everyone, I'm Chanchal Bhardwaj and you're watching my channel Insightful Education. तो हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में और हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में. और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हमारे लोकसभा के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में. तो बिना देर करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं. तो लोकसभा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी मेंबरशिप और इलेक्शन ऑफ लोकसभा, माने उसके जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किस बेसिस पर इलेक्ट होते हैं और जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, जितनी बार भी होते हैं. तो इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी. जैसे कि हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि चाहे सरकार आए चाहे जाए, लेकिन राज्यसभा का काम कभी नहीं रुकता. बट अनलाइक लोकसभा, लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है. लोकसभा हर 5 साल बाद सारे के सारे लोकसभा के मेंबर इस्तीफा देते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं सरकार बनने के लिए, देश को चलाने के लिए. तो लोकसभा पूरी तरह स्थगित होती है, पूरी तरह वो डिसॉल्व होती है, ठीक है. तो ये परमानेंट बॉडी नहीं है अनलाइक राज्यसभा. देन इट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अब हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होती है, ठीक है. उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर होते हैं वो चुनकर भेजते हैं अपने अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में. वहीं यहाँ जो होते हैं ना इलेक्शन, वो हम खुद वोट डालते हैं. जब आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा रैलियां होती हैं आपके आसपास और आपके घर वाले वोट डालने जाते हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है. लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस डायरेक्टली होते हैं. तो लोकसभा के इलेक्शन पूरे देश के लिए होते हैं, ठीक है, और विधानसभा के इलेक्शन स्टेट्स के लिए होते हैं. राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनमें हम लोग डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, कॉमन मैन डायरेक्टली पार्ट नहीं लेता, ठीक है. और किस बेसिस पर हमारे जो इलेक्शन होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपको पता ही होगा. 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का राइट टू वोट उनके पास आ जाता है, क्योंकि 18 साल के इंसान को हम अडल्ट मानते हैं. ही और शी इज एबल टू मेक हिज और हर ओन डिसीजंस. तो इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला गया इसको, कि हर 18 साल का व्यक्ति अपने लिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखता है, ठीक है. तो ये इस वोट का अधिकार के अंदर हमें जो है सरकारें चुनने के लिए मिलती है. देन ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर और लोअर हाउस. जैसे कि हमें पढ़ा था राज्यसभा अपर हाउस है, तो हमारा लोकसभा लोअर हाउस है और इसे पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है. नाम से पता चल रहा है लोकसभा, लोग चुनते हैं इसको. राज्यसभा को राज्य भेजते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने प्रतिनिधि. तो अब इसकी हम मैक्सिमम मेंबरशिप की बात करें, 552 होता है, ठीक है. 550 मैंने इसीलिए लिखा है कि मैक्सिमम यहीं तक पहुंचती है, ज्यादा जाती नहीं है. 530 जो होते हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं स्टेट से. मैंने हर एक स्टेट को हमने कुछ कुछ सीटें दी हैं लोकसभा की. जैसे कि दिल्ली के पास 60 सीटें हैं, जैसे कि हम बात करें यूपी के पास 80 सीटें हैं, ठीक है. तो वैसी सीटें हर स्टेट की हैं और सारी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की सीट्स मिलाकर ये बनती है 550, ठीक है. तो 550 सीटों को डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है, 530 सीटों को डायरेक्टली स्टेट्स को दिया गया है और 20 सीटें जो है यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आती हैं. और उसके बाद जो दो बच जाते 552, देखो कई बार क्या होता है, हमारे जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से होते हैं, तो उनके अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है हमारी लोकसभा में, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर दो लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुनते हैं, ठीक है. देन सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज. अब ये जो रिजर्वेशन वाला फंडा है ना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. रिजर्वेशन जो है, हमारे यहाँ पर जितनी भी सीट्स रिजर्व होती है ना एससी और एसटीज के लिए, उन्हें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर रखा जाता है, ठीक है. अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, देखिए अगर आप किसी भी एरिया की बात करूं, तो मान लीजिए कोई ए एरिया है, ठीक है, ए एरिया है, बी है, सी है. एक स्टेट है उसके अंदर 3 एरियाज हैं, ठीक है. बी और सी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जनरल माने कोई भी यहां से इलेक्शन लड़ सकता है. लेकिन ए जो है ना, ये एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी माने कोई एससी या एसटी कैटेगरी से है तो ही यहां पर, या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से है तो ही यहां पर जो है वो लड़ सकता है चुनाव, ठीक है. लेकिन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा नहीं है कि यहां से कोई एससी एसटी नहीं लड़ सकता. लड़ सकते हैं, चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं कैंडिडेट, अपना अपना यहां से भी खड़े हो सकते हैं. लेकिन यहां पर जो है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसीलिए यहां पर रिजर्व कैटेगरी का इंसान ही चुनाव लड़ेगा.
तो इसीलिए एससीज और एसटीज के लिए सीट जो है हमारी रिजर्व्ड है लोकसभा के अंदर, और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर भी उनको रखा जाता है। मतलब मान लीजिए कि दिल्ली में अगर 7 सीटें हैं तो उनमें से 2 या 3 जो होंगी वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएंगी, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें, मतलब ये सिर्फ मैं इन जनरल बता रही हूँ, ऐसा सच में नहीं है कि दिल्ली के अंदर 2 या 3 ही रिजर्व है, ये एक मैं इन जनरल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देन सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है। एससीज और एसटीज के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है। इनिशियली ये जो प्रोविजन था ना शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए आया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मंडल कमीशन एंड ऑल, तो वो सिर्फ 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये सब हुआ था, और यहाँ लोकसभा के अंदर भी शुरुआत में 10 साल के लिए ही आया था, लेकिन बाद में क्या हुआ ये फर्दर ऑन कंटिन्यू होता गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब जो था 79th अमेंडमेंट, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से अमेंडमेंट के बाद जो है रिजर्वेशन 60 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया, तो 79th अमेंडमेंट था जिसके बाद 60 साल के लिए हमारा जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया गया फॉर रिजर्व कैटेगरीज एससीज एंड एसटीज, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, देखिए ये हमने राज्यसभा में भी पढ़ा था कि जितने भी राज्यसभा की सीट्स होती है ना वो हमेशा किसी भी जो एरिया होता है ना उसका, किसी भी स्टेट का एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है, उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी सीटें हैं, तो उसके हम प्रोपोर्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ जो वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर ज्यादा बड़ा एरिया जैसे कि यूपी बिहार, इनके पास बहुत बहुत सीटें हैं लोकसभा की, तो यूपी का एग्जांपल ले 80 सीट है, सिक्किम मिजोरम नागालैंड के पास 1 सीट है और दिल्ली के पास 7 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेंबरशिप और इलेक्शन ऑफ लोकसभा। भाई ये 5 साल के लिए होती है, ठीक है, लोकसभा का जो टेन्योर है ना 5 साल है, राज्यसभा का 6 साल है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि हम दोनों के ना कंपैरिजन भी करते हुए चल रहे हैं 7 साल में। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मतलब अगर आपको लोकसभा के कॉन्टेस्ट कर ले हैं इलेक्शन, तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, लोकसभा के मेंबर्स को वोट देने के लिए आपको 18 साल का होना जरूरी है और आपके पास एक वोटर आईडी होना जरूरी है, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है, ठीक है। देन क्वालिफिकेशंस क्या है कि आप लोकसभा के मेंबर बन सके, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, सबसे पहले आपकी उम्र 25 साल हो चुकी होनी चाहिए, माने यू शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25, उससे कम का इंसान, उससे कम का व्यक्ति एक जो लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ही शी शुड डिक्लेयर थ्रू एन ओथ और अफर्मेशन, उनको एक ओथ और अफर्मेशन एक भरना पड़ता है, ठीक है, कि वो हमेशा अपने संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, कर्तव्य पूर्ण अपना काम पूरी तरह से अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बचा कर रखेंगे, तो ये उनको हमारा ओथ अफर्मेशन देना होता है। देन मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, देखो आपको वोट देने के लिए भी वोटर होना चाहिए, आपको वोट लेने के लिए भी वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम होना जरूरी है। देन मस्ट पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशंस, मतलब जो भी पार्लियामेंट के बायलॉज में कोई भी और भी क्वालिफिकेशन लिखी है तो वो भी आपके पास होनी जरूरी है। देन पर्सन कंटेस्टिंग फ्रॉम द रिजर्व सीट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो हमेशा, मतलब क्या होता है कि हमेशा जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, तो वो रिजर्व सीट पर ही कॉन्टेस्ट करेंगे और रिजर्व कैटेगरी से ही होने चाहिए, ठीक है, तो जो भी रिजर्व सीट पे करेगा इलेक्शन शुड बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, कभी भी जनरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनमें जनरल लोग के लिए, बाकी वहां से भी एससी एसटी कर सकते हैं, उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहां पर कोई भी वो इंसान जो कि इन कैटेगरी से बिलोंग करता है वो ही यहां से इलेक्शन लड़ सकता है, ये मैंडेटरी है। तो ये आपको क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी होगी अगर आप लोकसभा की कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन, उसके मेंबर बनना चाहते हैं। तो अब बात कर ले टेन्योर की, इसका टेन्योर होता है 5 साल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, और प्रेसिडेंट जो होते हैं ना 5 साल से पहले भी इसे डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी केसेस होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी में इसको स्थगित कर दिया जाता है, सारी पावर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, जैसे कि हमने देखा भी था
हमारे जितने भी राइट्स होते चले जाते। 1975 में जो हमारी इमरजेंसी लगी थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी जी, देन उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है कोई भी नेशनल इमरजेंसी के केस में हो गया, दूसरा अगर कोई सरकार भ्रष्ट है करप्ट है उसके खिलाफ हमने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दिया तो सरकार को डिसॉल्व करना पड़ता है, लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर, और उसके टेन्योर से पहले ही जो है वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को तो। ठीक है, तो ऐसा प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पर वो लोकसभा को उसके बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ टेन्योर वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर हम नेशनल इमरजेंसी केस की बात करें तो ये जो टर्म होती है ना, जैसे 5 साल से हम 6 साल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 6 साल से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 साल के लिए इसके टर्म को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इलेक्शंस नहीं हो सकते, जैसे कि हमारा 1975 में हुआ था, 1977 में इलेक्शन हुए थे फिर। ठीक है, देन उसके बाद ये अगर ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूरिंग हमारा टेन्योर के ड्यूरिंग लगी है इमरजेंसी तो 1 साल के लिए बढ़ेगी, और अगर इमरजेंसी खत्म हो गई है और इलेक्शन दोबारा अगर डिसॉल्व कराने से पहले हमें कराने हैं, मतलब 5 साल के बाद हो गया है वो टाइम, 5 साल निकल चुके हैं, तो सिर्फ 6 महीने तक, मतलब अगर इमरजेंसी के दौरान हमारा जो लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है तो 1 साल तक, और इमरजेंसी खत्म हो चुकी है और लोकसभा के इलेक्शन कराने में टाइम नहीं बचा है और आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है तो 6 महीने तक इसको और टाइम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी लिखा हुआ है दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड, ये 1 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अगर 6 मंथ से ज्यादा नहीं जाएगी अगर इमरजेंसी खत्म हो गई है। ठीक है, देन इट ऑन सेवरल ओकेजन, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोकसभा डिसॉल्व हुई है हमारे जो टेन्योर कंप्लीशन से पहले, जैसे कि ग्रैंड अलायंस आया था, ठीक है, उनकी सरकार चली गई थी टाइम से पहले, उसके बाद 12th लोकसभा थी जो 1998 में इलेक्ट हुई थी, 1999 में पूरी तरह डिसॉल्व करनी पड़ी थी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं लोकसभा के और चीजों के बारे में। चलिए, तो लोकसभा के जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर की, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, और डेप्यूटी स्पीकर जो उनके अंडर काम करते हैं। ठीक है, अगर उनके एब्सेंस में कोई काम करेगा तो डेप्यूटी स्पीकर काम करेंगे, तो इनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर हेड ऑफ लोकसभा भी बोल सकते हैं। अब जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं वो ही इनको चुनते हैं, जैसे कि हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था कि हमारे जैसे सारे जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं मिलकर अपना एक हेड चुन लेते हैं। ठीक है, वैसे ही मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी इलेक्ट स्पीकर इलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा का डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा के जो हमारे जो स्पीकर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये आपको पता था। देन ही शी रिमेन्स द स्पीकर, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 साल बाद, लेकिन वो कब तक स्पीकर रहेंगी या रहेगा जो यहाँ का स्पीकर होगा लोकसभा का, जब तक अगली लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आती, और दूसरा जब तक अगली लोकसभा के मेंबर नया स्पीकर नहीं चुन सकते, तब तक ये अपने एक लोकसभा के स्पीकर की तरह काम करते रहेंगे। ठीक है, देन इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा, ठीक है, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है लोकसभा के तो वहां की मीटिंग को कौन चेयर करेगा, उनकी मीटिंग को डेप्यूटी स्पीकर चेयर करेंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, देन बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड। अब देखिए, ये हमारे जो है सिर्फ मेंबर्स आपस में मिलकर चुनते हैं इनको, तो इनको हटाया जा सकता है, दोनों को ही। कैसे हटाया जा सकता है? सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करना है लोकसभा में, मेजोरिटी 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए हमारी, उसके बाद हम रेजोल्यूशन पास करके इन दोनों को ही इनकी सीट से हटा सकते हैं अगर चाहे तो। देन सम पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, कुछ पावर्स और फंक्शंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो होते हैं स्पीकर, ठीक है, वो प्रिसाइड करते हैं सारी मीटिंग्स के ऊपर, वो जितने भी आपने देखा होगा जब लोकसभा में बहस होती है, कोई डिबेट होते हैं, किसी पे चर्चा होती है, तो एक एक करके जो हमारे स्पीकर होते हैं सबका नाम लेते हैं कि आप स्टार्ट करिए बोलना, आप स्टार्ट करिए बोलना, नाम लेकर हर एक जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है, और वो बोल भी सकते हैं उनको रुकने के लिए, अगर ज्यादा कुछ किसी चीज पर बहस हो रही है, लोकसभा में अशांति का माहौल होता है तो वो उसको रुकने के लिए भी बोल देते हैं। ठीक है, बैठने के लिए बोल देते हैं, तो ये उनकी पावर होती है। सारी जो मीटिंग्स होंगी वो हेड होंगे उसमें, और सारी मीटिंग्स को कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, और जितने भी बिल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, मोशन होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, सब जो होते हैं
हमारे स्पीकर जो होते हैं वो उन्हीं की परमिशन से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जब तक स्पीकर नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे कोई बिल या कोई मोशन या कोई रिक्वेस्ट या कुछ भी, वो तब तक हमारा लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो सारी पावर इनके पास है कुछ भी इनिशिएट करने की, स्पीकर के पास है, चाहे वो बिल हो, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे मोशन हो, चाहे रेजोल्यूशन हो, सबके सब किसके थ्रू आएंगे, कौन इंट्रोड्यूस कराएगा लोकसभा में, हमारे स्पीकर। इनके और भी फंक्शंस हैं, तो स्पीकर के कुछ और फंक्शंस भी हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ ही लिया कि सारे जो मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे, उसके बाद जितने भी चाहे मोशन हो चाहे रिपोर्ट हो कुछ भी चीज आएगी उनके इंट्रोडक्शन के बिना नहीं आएगी, वो इंट्रोड्यूस जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। देन स्पीकर डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग, वोटिंग में स्पीकर जो होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन देखते हैं कि वोटिंग में कोई पार्शियलिटी ना हो। और अगर वहां पर टाई की कोई सिचुएशन आती है कि टाई होता है किसी भी वोटिंग पर, तब वहां पर एक वोट उनका ले लिया जाता है ताकि उनके जो वोट से पार्शियलिटी खत्म हो जाए, मतलब कोई भी जो डिसीजन है उसका जो वो डेडलॉक में ना जाए, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देन हिज और हर डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स आर फाइनल, जितने भी पार्लियामेंट के मैटर्स होते हैं उनमें स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, उसके डिसीजन के ऊपर कुछ नहीं है। अगर वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जितने भी डिसीजन है उनको लेकर बात की जाए तो उनका जो, ऐसा नहीं है कि उनका डिसीजन फाइनल है तो अपनी मनमर्जी करते हैं, नहीं, वो सारे मेंबर्स के जितने भी पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर्स होते हैं सब सुनते हैं, उसके बाद फाइनल सिर्फ होने की, वो ये है ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, वैसा वाला कुछ हाल है। ठीक है, ही शी इज द कस्टोडियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, जितने भी हमारे राइट्स और प्रिविलेजेस हैं मेंबर्स के पास लोकसभा के, तो उनका कस्टोडियन माना जाता है स्पीकर को, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके इन केस ऑफ ऐसा होता है कि किसी के राइट्स का कुछ भी उनके राइट्स वायलेट होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वो सीधा स्पीकर को अप्रोच कर सकते हैं। देन ही शी डिसक्वालिफाइज मेंबर्स ऑफ हिज और हर मेंबरशिप, अगर डिफेक्शन की कोई सिचुएशन आती है, तो आपने सुना होगा डिफेक्शन, आया राम गया राम वाला, कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाना, और अगर वो डिफेक्शन गलत तरीके से हुआ है तो वो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालिफाई करने का हक रखते हैं, उनके पास ये अधिकार है। और फिर वो रेजिग्नेशन भी लेते हैं मेंबर्स के, एक्सेप्ट, जो अगर किसी को रेजिग्नेशन देना है वो स्पीकर को देंगे, लोकसभा के मेंबर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे, स्पीकर को, और स्पीकर उसको एक्सेप्ट करे ना करे, उसकी जेन्युइननेस, मतलब सच में किस रीजन की वजह से रेजिग्नेशन दिया गया है, उसकी जांच पड़ताल, उसको इन्वेस्टिगेट करना, सब किसके हाथ में है, हमारे स्पीकर के हाथ में है। और उसके बाद उसको रेजिग्नेशन को प्रोसेस करना या उसको डिनाई करना, ये भी इनके हाथ में है। देन इन केस ऑफ ज्वाइंट सीटिंग, अगर लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग होती है, जो एक बैठक होती है अगर दोनों की, तो उसके ऊपर जो हेड होंगे वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर नहीं होते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब फंक्शंस हमने पढ़ लिए, ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ लिया, लोकसभा के टेन्योर के बारे में पढ़ लिया, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारा जो चैप्टर था इसका एक टॉपिक हमने लोकसभा आज कंप्लीट किया। तो आगे हमारे साथ बने रहिए और इस चैप्टर की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।